अब हमारे पास जो ऑप्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने बनाना है पावर पॉइंट में, ठीक है ना। सेल्फ इंट्रोडक्शन से मतलब ये है कि भाई आपका जो आपने अपने बारे में बताना है, जैसे आपने लास्ट टाइम सीवी बनाई थी, यू समझे सीवी को कन्वर्ट करना है अपने प्रेजेंटेशन में, सीवी को कन्वर्ट करना है प्रेजेंटेशन में। मतलब इसमें क्या क्या सेक्शंस आप बनाएंगे, एक सेक्शन में आप बता रहे होंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फिर दूसरे में अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे आप, और इन सबसे पहले आप अपना जो है एक टाइटल बना रहे होंगे, टाइटल में अपना कॉन्टेक्ट डाल रहे होंगे और वही सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही होती है, फिर आप इसमें बता रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता रहे होंगे। मैं जा रहा यार, तो पीछे ही पड़ गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डाल रहे होंगे आप, ठीक है, फिर इसके अंदर आप डाल रहे होंगे अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में जान रहे होंगे आप अपने, ठीक है ना, कम्युनिकेशंस के बारे में जान रहे होंगे, ठीक है, रेफरेंस के बारे में डाल रहे होंगे इसमें, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर पुट कर रहे होंगे, और इस तरह आप अपना बनाएंगे एक अच्छा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो आपका पावर पॉइंट में क्रिएट होना है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे नहीं आ रहा बनाना, आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट, सो अब हम चलते हैं यहाँ पे टूल्स पे, हेल्प लेते हैं उसी टूल से जो आपको लास्ट टाइम सिखाया था। क्रोम खोला मैंने अपना, दूसरा अकाउंट से उसको लॉगिन किया, और यहाँ से हम गए चैट जीपीटी को लिया एक जगह पर, अपनी जीमेल की आईडी कनेक्ट कर देनी है, और गूगल बार्ड को तो कनेक्ट कर दिया हमने, गूगल बार्ड या जेमिनाई बात एक ही है। अब कौन सा आपने यूज करना है उसको यहाँ से सजेस्ट कर लिया आपने, और ये आपके पास ऐड हो गया, ठीक है। क्रिएट यहाँ लिखेंगे, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन सेल्फ इंट्रोडक्शन डिफाइन ईच कैटेगरी ऑन सेपरेट स्लाइड विथ सूटेबल इमेजेस, ऑल्सो इंक्लूड क्लोजिंग लाइन्स एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन शुड बी ऑन 12 स्लाइड्स। ये लीजिए एक प्रॉम्प्ट हमने इसको दिया, सेम प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, सेम प्रॉम्प्ट मैंने इसको यहाँ से लॉगिन कराया चैट जीपीटी ओपन एआई को, अपने जीमेल की आईडी से कनेक्ट किया, ये जब तक बना रहा है, एक दफा मैं इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहा था, तो इंग्लिश की क्लास में कॉन्वर्जेशन कराते हैं, से समथिंग जैसे अपनी डेली रूटीन बनाए, डेली रूटीन बताएं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएं, पैशंस के बारे में। उसमें सबसे मुश्किल उसने कहा कि ये तो सब चीज़ें आप बता रहे हैं, मतलब फिर उसमें आया कि रूम को एक्सप्लेन करें, फैन को एक्सप्लेन करें, कोई बिल्डिंग को एक्सप्लेन करें, जॉब्स को एक्सप्लेन करें। सबसे मुश्किल टॉपिक जो आया ना, उसने कहा आज मैं आपको सबसे मुश्किल टॉपिक दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और यकीन करें उसमें काफ़ी क्लास में मुख्तलिफ लोगों ने सिर्फ 3, कोई 4, कोई 5, 6 सेंटेंस से आगे गए थी। बोले सबसे मुश्किल काम है अपने आप को एक्सप्लेन करना और अपने आप को जानना, कि आप अपने आप को जानते ही नहीं है, बिकॉज हम जो देख रहे हैं वो तो सामने देख रहे हैं ना, हम खुद को तो देख ही नहीं रहे। इवन आप आंखें बंद करें, अपने आप को इमेजिन करें, अपनी शक्ल इमेजिन करने की कोशिश करें, नहीं होगी आपसे। अब मैं आंखें बंद करके जयश्री की, करीना की शक्ल आराम से कर लूंगा, लेकिन आपसे कहूँ कि अपनी शक्ल को इमेजिन करें, कि अपनी एक पूरी मूरत बनाएं अपने इमेजिन के अंदर, यू कांट। सबसे मुश्किल अमल है ये, अपने आप को पेपर पे एक्सप्लेन करना, अपने आप को वर्बल एक्सप्लेन करना, और अपनी ही ड्राइंग यानी कि अपना इमेज क्रिएट करना।
जो लोग ऐसा करते हैं वो खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, जब ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से वो कोई ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं जो उनके मिजाज के मुताबिक होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था और वाकई कोई भी नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन, तो इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। अच्छा, ये राशिद फैम वाला अकाउंट खोल, एक ये नहीं खोलना था मुझे, ये खोलना। कौन सा चैट? यही था ना, चैट जीपीटी और जेमिनी ओपन एआई, वो चैट जीपीटी उसी का प्रोडक्ट है, अलग से नहीं है। तो देखिए मैंने दोनों को प्रॉम्प्ट सेम दे दिया, ये भी बना रहा है वो भी बना रहा है। तो अब आज से आप अपने ऊपर बनाएंगे प्रेजेंटेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन पे बनाएंगे, फिर बनाएंगे आप पोर्टफोलियो के ऊपर, अब इससे रिलेटेड अपने आप से रिलेटेड पांच पांच प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक दिन में नहीं बनाएंगे, एक दिन में एक, और उसको फिर इम्प्रूव करते जाएंगे, और फिर उसको आपने इम्प्रूव करके अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में गूगल ड्राइव पर रख लेना है, ठीक है? इस तरह अपनी पांच रिज्यूमे बनाएंगे आप, पांच सीवी अलग अलग, और उसको भी सेव करके रख लेंगे। वेन एवर समवन आस्क फॉर यू सीवी एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसको आप ये सेंड करेंगे जो आप बना के रखेंगे, तो आपको दोबारा से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है ना? तो देखिए मैंने इसको काम दिया और उसने मेरा काम कितने अच्छे तरीके से करके दे दिया, और अब तक ये लगा हुआ है, ये भी काम पे लगा हुआ है, और ये भी तकरीबन बता ही रहा है, 10 स्लाइड्स तक तो पहुंच गया है, ठीक है? ये तो थक गया। अब आपका काम क्या है, इस इंफॉर्मेशन को कैसे अरेंज करना है पावर पॉइंट में, ये आपका काम है। सबसे पहले कह रहा है टाइटल स्लाइड होगी जिसमें आप अपना नाम और एक इमेज फ्रेंडली आप लगाएंगे अपना, और उसमें एक स्पीकर नोट डालेंगे, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है ना? सबसे पहला सवाल तो ये। अच्छा, आइडियाज भी आपको मिल सकते हैं, जैसे आप गूगल पे जाइए, आइडियाज लें, अब थोड़ा सा काम को प्रोफेशनल करने की कोशिश करें, आड़ा टेढ़ा ना करें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, पेजेस पे जाते हैं तो देखिए कितने सारे आइडियाज आपको मिल रहे हैं। देखिए ये देखिए, इसने एक ही पेपर पे अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया, आइडियाज तो मिल रहे हैं ना। इन्हीं आइडियाज को आपने कैच करना है और आगे लेके जाना है। इसने देखो अपने आप को एक्सप्लेन किया हुआ डिफरेंट स्लाइड्स के ऊपर, और ये देखो ठीक है, कोई भी आइडिया पिक करें, पहले आसान वाला ले लें, फिर उसको आहिस्ता कर लेना, हाँ थोड़ा सा मुश्किल ले लेना। ये देखें, अच्छा तो अभी हम क्या करते हैं, यहां से इसमें हम क्या करते हैं, होम में जाते हैं, लेआउट में जाके हम ये वाला फोटो लगाते हैं, यहां पर हम अपना फोटो लगा देते हैं, सपोज टू बी पेट फोटो ऐसा लगाना है जो फ्रेंडली हो, जैसे ये फोटो भी अच्छा है, ये देखिए इस तरह का फोटो जिसको लोगों को लगे कि ये एक खुश मिजाज और एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय करने वाला करने वाली शख्सियत है। ऐसा फोटो कभी भी नहीं लगाया, मतलब जिसको देख के गुस्सा आ रहा हो, जिसको देख के बेजारी हो रही हो। अब देखिए इस लड़की का फोटो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये खुश है, आपने जब इसको देखा तो आपके चेहरे पे भी स्माइल आई। हमेशा अपने ऐसे फोटोज का इस्तेमाल करें जिसमें आप का कोई एंजॉयमेंट हो रही हो, आप खुश हो रहे हो उसके अंदर,
तो लोग बाग देख के भी खुश होंगे उसके अंदर, सही है ना। अब यहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट सपोज माइस माई सेल्फ लिख देते हैं इस पे, या नाम लिख के नीचे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे और इसको इस तरह से कर दिया हमने, ठीक है। और अब इसका इंट्रोडक्शन तो वो यहाँ से ले लेते हैं, इसने जैसे लिखा, हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ टू यू, आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन, तो बस इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर रख के, के नाम को थोड़ा सा हम ठीक है। तो ये देखिए आपने इस चीज को इस तरह से स्टार्ट लिया, ये हमने फाइल को सेव, ठीक है। यहां पर आप डिजाइन में आके अपने फॉन्ट्स को, सिर्फ फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको ये फॉन्ट्स में से कोई अच्छा फॉन्ट लगता है, जैसे आरटी रॉकवेल, ये देखिए आपका फॉन्ट उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये एक फोटो लगाया हमने और ये अपने आप को हमने इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया, हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हेलो एवरीवन, आई एम एक्साइटेड टू यू, ठीक है। एक सेंटेंस हमने इसके अंदर पुट अप कर दिया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चैट जीपीटी ने हमें क्या कहा इसके अंदर, इसका भी देखें आइडिया ले लें। इसने हमें कहा अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट मी, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस। अ प्रोफेशनल इमेज हैंड शूट, क्या कह रहा है, हेड शॉट और रिलेवेंट बैकग्राउंड इमेज। अब इसके अंदर सीखने को क्या मिला, क्या कह रहा है, अ प्रोफेशनल हेड शॉट और रिलेवेंट बैकग्राउंड इमेज। समझ में आया नहीं, समझ में आया ना, यही सीखने की चीज है। ये लिया अ प्रोफेशनल हेडशॉट, ये होता क्या है, ये इमेज किस तरह का होता है, चल भाई गूगल बताओ हमें। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल हेडशॉट, प्रोफेशनल हेडशॉट, यानी कि हम जब इतना फोटो लेंगे और एक, अब ऑफिशियल ड्रेस क्या होते हैं, कोट, ठीक है, उसके अंदर टाई या टी शर्ट में टाई लगी हुई हो, तो उस तरह का फोटो जो लेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल हेडशॉट। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होंगे ना, वो आपको कहेगा गिव मी योर प्रोफेशनल हेडशॉट, क्या बोल दिया इसने यार, यस ओके डोंट वरी आई विल गिव यू प्रोफेशनल हेडशॉट। ये एक फोटो को कहते हैं, ये एक पोज है जिसमें आप इस तरह से फोटो लेंगे, देख रहे। अब इसमें समझने वाली एक चीज कि कोई भी फोटो जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। प्रोफेशनल हेडशॉट में जब हम फोटो ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत एंगल हम रखेंगे अपना, मेरे हाथ को देखेंगे बिल्कुल सीधा है, या तो ये एंगल रखेंगे या ये एंगल रखेंगे, ये एंगल रखेंगे, तो कुछ ना कुछ एंगल देके आपने अपना फोटो लेना है। और ये करने की आप अंदर प्रैक्टिस कर लें अपने अपने कैमरे पे, कैसे लेते हैं प्रोफेशनल हैंडशॉट, ये देखिए कितना जबरदस्त लिया इसने, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल हैंडशॉट, ठीक है, ये भी ठीक है। और ये देखिए इसका कितना जबरदस्त है, इस तरह का, इस तरह के फोटोज जो है, ये देखिए इस तरह की स्माइल के साथ, ये देखिए देखिए हालांकि कितना काला है ये, फिर भी फोटो देखें कितना जबरदस्त लिया है। तो ये इस तरह के फोटोज जो है आपने इस तरह की स्माइल के साथ, ऐसा फोटो लगाएं, शिनाख्ती कार्ड वाला या पासपोर्ट साइज फोटो नहीं लगाना इसके अंदर, जब भी अपना ये चीज बनानी है तो ऐसा फोटो लगाना, हाँ, तो उसको देख के दिल चाहे कि मैं और जानूं इसके बारे में, ऐसा नहीं दिल चाहे कि उसको देख के बोला गया भाई बस हो गया, ठीक है ना, ऐसा फोटो लगाना, देखिए कितने जबरदस्त उन्होंने सबने हैंडशॉट लिया।
हो सकता है ये इतने खूबसूरत ना हो, ये हो सकता है इतने एडोरेबल ना हो, लेकिन हेडशॉट जो लिया है, हाँ मतलब ये समझा रहा हूँ, मतलब वो वाली तस्वीरें नहीं जो आप लोग गैदरिंग्स में लेते हैं, वो नहीं, ये इसके लिए लेनी है आपने अलग से ना, जब अपना, हाँ देखे ना इसमें कुछ इस तरह का लेके, हाँ तो ये देखिए ये आपको गाइड भी कर रहा है, और रिलेवेंट बैकग्राउंड इमेज, रिलेवेंट से मतलब क्या होगा, नहीं, आप जहाँ काम करते हैं उससे रिलेटेड, हाँ उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट में, लेकिन अब चलो काम नहीं कर रहे तो इस तरह के बैकग्राउंड पे ले लें, इस तरह के बैकग्राउंड पे ले लें। देखिए अगर आप कोई एनजीओ में कोई फलाही काम कर रहे हैं जिसमें कोई गांव वालों की हेल्प कर रहे हैं, तो आपका प्रोफेशनल इमेज तो वहां का होगा, लेकिन वहां के फोटोज फिर लोगों के उन्हीं के बैकग्राउंड पे खींचेंगे आप, ठीक है ना। हाँ आप बोलिए। अच्छा ठीक, ओके, इंट्रोडक्शन, अबाउट मी और ब्रीफ इंट्रोडक्शन, नेम, करंट पोजीशन, ईटीसी, अ फ्रेंडली फोटो ऑफ योरसेल्फ। अ फ्रेंडली फोटो क्या होता है? अच्छा देखिए भाई, अब ये जब हम यूज कर रहे होते हैं, माशाल्लाह आप सब मैच्योर हैं, तो फोटो सर्च करते वक्त कुछ फोटोज अजीबोगरीब भी आ जाते हैं, तो उसमें आपने इग्नोर करना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि किस तरह का फोटो कैसे लगाना है, सही है ना। तो इसमें थोड़ा सा आपने रखना। अब फ्रेंडली फोटो कैसे होते हैं इसमें देखते हैं। अब फ्रेंडली फोटो, फ्रेंडली फ्रेंडली फोटो, अब ये देखिए फ्रेंडली फोटोज इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, कि जिसमें आप कोई एक काम करते वक्त कोई एक्टिविटी में, जरूरी नहीं फ्रेंड्स के साथ, तो अगर हम यहाँ लिख देते हैं फ्रेंडली फ्रेंडली फोटो ऑफ योर सेल्फ, तो किस तरह का फोटो आएगा इसके अंदर? ये इस तरह का फोटो जिसमें आप कोई एक दूसरे से बता रहे हो, बात कर रहे हो, या मैं ये कह कह सकता हूँ कि ये हमारा एक फ्रेंडली फोटो हो सकता है, दैट इज अ फ्रेंडली फोटो, जिसमें आप खुश हो रहे हैं, लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है मामला। इस तरह के फ्रेंडली फोटोज में आपने अपना एक अच्छा सा फोटो लगाना है जिसमें आपका खुश मिजाज मामला हो। तो ठीक है, अब उसको आप कैसे लेंगे, वहां से पिक कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आके हम यहाँ चलते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, एक स्लाइड ऐड कराते हैं। अब स्लाइड में क्या कह रहा है वो, अबाउट मी और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना डाल दे रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा अबाउट मी, यहाँ से ले लेते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट, और फिर यहाँ जाके ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन जैसे नाम, करंट पोजीशन, किस पे काम कर रहे हैं, ये कैसे बनाएंगे? ओके, अब मैं इसको कहता हूँ, एक टास्क देता हूँ यहाँ पर, क्रिएट अ ब्रीफ, क्रिएट अ प्रिसाइज अबाउट मी इंट्रोडक्शन ऐसे लिखते हैं, कैसे? हाँ थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई एम अपना नाम, प्रोफेशनल विद द पैशन ऑफ, किसमें आपका इंटरेस्ट है? इन माई वर्क आई लेवरेज, मतलब वही, अब ये आपका इंट्रोडक्शन भी तो यही बनेगा ना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में हम अपना मकसद बयान करते हैं, तो आगे जाके बताते शुरू में ही हैं, फिर करना क्या चाहते हैं वो बताते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या बता रहे हैं? प्रोफेशनल, टॉप स्किल्स अपनी, स्किल्स टू, ब्रीफ डिस्क्राइब व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आउटसाइड ऑफ वर्क, ठीक है। आई फाइंड जॉब, आई फाइंड जॉय, हॉबीज बतानी है अपनी, आई ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू एस्पायरेशनल गोल, आगे जाके थोड़ा सा कहानी चेंज करनी है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे, यहाँ से जब आप शुरू होंगे ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके आपने कहानी चेंज करनी है। सो आई एम फाइंडिंग दिस जॉब फॉर फलाना, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर, उसमें ये मकसद बयान करना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग ऐसी तो यही चीज होती है। तो यहाँ पर एडिट करके आपने ये चीज अपनी डाल देनी है, ये आपको सेक्शन मिल गया। अब यहाँ पे आपने ये पुटअप कर दिया, पुटअप करने के बाद अब यहाँ पे लिखना है आई एम यंग प्रोफेशनल, आई एम योर प्रोफेशनल लिखा है, तो प्रोफेशन लिख दें यहाँ। जैसे अब ये जो मैडम है, मिसाल के तौर पर ये एक फैशन डिजाइनर है, ठीक
तो ये लिखेंगी आई एम अ फैशन डिजाइनर विद अ पैशन ऑफ एरिया, क्या होता है इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, डिजाइनिंग फॉर फैशंस, फैशंस एंड आउटफिट्स, लेवरेज माई स्किल टॉप, क्या है मेरी स्किल, क्या है मैं, क्या चीजें, जैसे स्किल वन कलर कॉम्बिनेशन, माई स्किल्स इन कलर कॉम्बिनेशन एंड टॉप स्किल टू फैब्रिक्स, ठीक है, और फिर ब्रीफ डिस्क्राइब व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं आप भाई, क्या करते हैं आप, मैं उसको करती हूँ, मैं उसके ड्रेस डिजाइन करती हूँ, मैं उसके ऊपर नए नए आइडियाज डालती हूँ, वो जो जो भी चीजें हैं वो उसके अंदर आपने फिर आके एस्पिरेशनल गोल अपने बताने हैं कि अब आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके, दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ये आप चीजें इससे ही खेल कूद के बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते जाएंगे और उसके अंदर डालते चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपका नाम, प्रोफेशनल, ये क्या क्या चीजें बतानी होती है, अपना नाम और प्रोफेशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, टॉप स्किल्स, ब्रीफ वर्क डिस्क्रिप्शन, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, एस्पिरेशनल गोल, ये चीजें आपकी इसमें शामिल है, एक पैराग्राफ की सूरत में ये आपने उसके अंदर ऐड करनी है। हाँ, इनके ऊपर आपने काम करना है, ब्रीफ ऑफ योर एजुकेशन। अच्छा, अब आ जाए स्लाइड 3 पे, बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आ रहा है इंट्रोडक्शन के बाद बैकग्राउंड है, ब्रीफ ओवरव्यू, वेयर यू फ्रॉम, एजुकेशन एंड रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, अ मैप शोइंग योर होम टाउन और अ फोटो ऑफ योर यूनिवर्सिटी, सही है ना, यूनिवर्सिटी की तो कॉलेज स्कूल, कि आपने पहले बताना है कि आप कहाँ से हैं, फिर बताना है आपकी एजुकेशन क्या है और उससे रिलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर आप शहदादपुर से हैं, आपने इंटर किया है, अब ये क्या हुआ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी किया है, आईटी में डिप्लोमा भी किया है, रिलेवेंट हो रहा है ना, आपने एक फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा भी किया है, आपने सिलाई कढ़ाई का डिप्लोमा भी किया है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी एजुकेशन को शो करे कि ये बंदे में क्या क्या एजुकेशनल स्किल्स हैं, वो आपने एक्सप्लेन करनी है। और फिर कह रहा है अ मैप शोइंग योर होम टाउन और फोटो ऑफ योर यूनिवर्सिटी, अपने घर का नक्शा नहीं लगाना, शहदादपुर का एक शहर का नक्शा डाल दिया इसके अंदर गूगल मैप से ही टारगेट करा लिया, दूसरा यूनिवर्सिटी का कोई भी अच्छा सा कॉलेज का फोटो है जहाँ जहाँ पढ़े उनके फोटोज आपके पास है तो एक फोटो उसमें डाल दिए, तो उससे लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। अब ये काम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखा नेक्स्ट स्लाइड एड, और यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिखा हेलो आई एम, क्या था इसका नाम, नाम ही भूल गया मैं तो उसका, शीतल फ्रॉम शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सागर, फ्रॉम विलेज शहदादपुर डिस्ट्रिक्ट सागर, कम प्रोविंस, कम्स इन प्रोविंस सिंध पाकिस्तान, आई एम अब जैसे इसने कहा कि आई एम एन फैशन डिजाइनर, आई एम अ फैशन डिजाइनर, कंप्लीट माई डिग्री फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी, as a fashion designer from in 2020 I have completed aise jo banana chaho wo isse idea lena, I have completed English language course ELC of 12 months, or
एंड डिप्लोमा एंड आईटी, ठीक है ना, और इस तरह की 24 चीजें आपने कर रखी हैं वो इसमें आप डाल के इसका बना सकते हैं, ठीक है। अब फोटो कैसे लगाएंगे होम टाउन के, तो ऐसे लगाएंगे, पहले आपको फोटो डाउनलोड करने पड़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं सिन यूनिवर्सिटी फोटो, ये फोटो ले लिया, इसको डायरेक्टली अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें ऐसे और उस पर ले जाके डायरेक्टली पेस्ट कर लें, हाँ कॉपी करके डायरेक्टली पेस्ट हो जाएगी। दोबारा देखें, यहाँ से हमने इसको राइट बटन दबा के क्या लिया, कॉपी इमेज, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, और कोई फोटो लगानी है इसमें, जैसे भाई वो फैशन डिजाइनिंग कहाँ से गया था, फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, ये इधर से गया था, तो कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दिया, नहीं हुआ कॉपी वो, ठीक है। कुछ इमेज शायद पेस्ट नहीं हो पाती, नहीं हो पा रही पेस्ट वो, फिर उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट बटन दबाएंगे, सेव इमेजेस करेंगे। अच्छा ये WEP फॉर्मेट में इसलिए नहीं हो पा रही थी, इसको इग्नोर करें, PNG फॉर्मेट आप ले सकेंगे, वो WEP फॉर्मेट में होंगी ना, PNG JPG सपोर्ट करता है ये, अक्सर बिल्डिंग्स की अगर फोटोज नहीं मिल रही तो फिर जो मिल रही है वो लगा दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा फिर आपने इसके ऊपर जो है यहाँ से कोई भी एक डिजाइन अप्लाई कर देना है जो इसको कवर कर ले, कलर स्कीम्स को अप्लाई कर देना है, ठीक है, ठीक है। फिर फाइनली इसमें आपने इस तरह से ट्रांजेक्शन में जाके कोई भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट इसके ऊपर डाल देना है, इस तरह के ट्रांजेक्शन इफेक्ट इस पर डाल दें और फिर उनको अप्लाई टू ऑल कर दें तमाम स्लाइड्स पे। अब इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करने के लिए ऑन माउस पे से क्लिक हटा दें और आफ्टर पे चेक लगा दें और हर स्लाइड के लिए कितने सेकंड मख्तस कर रहे हैं आप, 3-4, उसको रख के एक दफा फिर से अप्लाई टू ऑल कर दें। नाउ अब जब आप स्लाइड शो चलाएंगे तो अब आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली विद डिजाइन इफेक्ट्स इमेजेस मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड स्लाइड पे ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, हर 4 सेकंड में ये खुद ही स्लाइड को चेंज करेगा और आपके सामने चेंज करता रहेगा, दिखाता रहेगा। इस तरह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है सेल्फ इंट्रोडक्शन की मजीद अट्रैक्टिव हो जाएगी। इसमें ख्याल कीजिए कलर स्कीम का, अच्छे कलर्स इस्तेमाल करें, बोल्ड कलर्स, और फॉन्ट का अच्छा इस्तेमाल करें, पिक्चर्स अच्छी लगाएं और इमेजेस जितनी अच्छे लगाएंगे उतना आपका